वेलकम बैक टू चैनल गाइस, मेरा नाम है दीपांकर और आप सभी देख रहे हैं ग्लोबल व्यापार, जहां पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, कस्टम क्लियरेंस के बारे में और बिजनेस के बारे में। आज से मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं आप लोगों के लिए बिजनेस न्यूज लेकर आऊंगा हर हफ्ते, जो कि होंगी बहुत ही जबरदस्त, धमाकेदार, मसालेदार और बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को पूरे हफ्ते की बिजनेस न्यूज देने वाला हूं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले जो न्यूज निकल के आ रही है वो है सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आदार पूनावाला ने कहा है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है कोविशील्ड के वैक्सीन के डोजेस के बीच को गैप को बढ़ाने का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्लोबल डाटा अगर आप कोविशील्ड को 12 से 16 वीक के गैप में डिलीवर आप लगाते हैं लोगों को, तो उसकी एफिकेसी और इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये एफिकेसी और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए लिया गया है, या जो हमारे देश में ग्लोबल वैक्सीन शॉर्टेज चल रहा है उसको देखते हुए ये डिसीजन लिया गया? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेकेंड न्यूज़ ये निकल के आई है कि UP अराउंड 1000 करोड़ रुपये स्पेंड करने वाला है वैक्सीन के प्रोक्योरमेंट में, जो कि वो खुद प्राइवेटली करने वाला है। इससे पहले सेंटर पूरे इंडिया के लिए वैक्सीन प्रोक्योर करता था ओवरसीज से अगर जरूरत पड़ती थी, अब स्टेट को कूद पड़े हैं इस होड़ में वैक्सीन को लेने के, क्योंकि अब हमारे देश में वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है, तो अब स्टेट खुद कोशिश कर रहे हैं कि खुद ही वो किसी तरह बाहर से इंपोर्ट करें। तो अगली न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि इंडिगो भी अपने लिए एक वैक्सीन केयर सेंटर सेटअप करने वाला है गुरुग्राम में, जो कि उसके एम्प्लॉयज़ के लिए होने वाला है। ये 13-bed COVID-19 केयर सेंटर होने वाला है इन कोलाबोरेशन विद कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल इन हरियाणा गुड़गांव, जो कि इनके एम्प्लॉयज़ के लिए होगा और उनके रिलेटिव्स के लिए भी होगा जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है या जो सीरियस होने वाले हैं। 13-bed का हॉस्पिटल होने वाला है इन गुड़गांव। और अगली जो न्यूज़ निकल के आ रही है वो ऑटो से रिलेटेड है, और आपको पता ही है कि रिसेंट ईयर्स में ऑटो इंडस्ट्री का क्या हाल चल रहा है, कितनी सेल्स कम हुई है और कितने ज़्यादा उन लोगों का रेवेन्यू नीचे की तरफ जा रहा है। ऑटो डीलर्स ने गवर्नमेंट को बोला है कि उनको 3 महीने की गवर्नमेंट GST एग्जेम्प्ट की जाए। फेडरेशन ऑफ ऑटो डीलर एसोसिएशन FADA हैज रिपोर्टेड रिक्वेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को बोला है कि हमें GST का एग्जेम्प्शन दिया जाए अगले 3 महीनों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो सेल्स और रेवेन्यूज हैं वो ऑलरेडी डिक्लाइनिंग में है। अगली न्यूज़ है UN एक्सपर्ट्स की तरफ से। UN एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया को आने वाले महीने में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि हमारी इकोनॉमी थोड़ी रिकवर हो सके। UN डेवलपमेंट रिसर्च चीफ हामिद रशीद कहते हैं कि इंडिया को फोकस करना पड़ेगा 2 सेक्टर्स में, एक है डिजिटल और हेल्थ, ताकि नए जॉब्स क्रिएट हो सके और लोगों के बीच में डिमांड बढ़ सके। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है नीरव मोदी जी जो इस टाइम पे UK में बैठे, UK के जेल में हैं। नीरव मोदी जी को एक और शो कॉज नोटिस जारी किया गया है बाय स्पेशल कोर्ट इन मुंबई, जिसमें लिखा कि जिसमें उनसे पूछा गया है कि उनके जो 14,000 करोड़ की और प्रॉपर्टी है उसको क्यों ना सीज किया जाए अकॉर्डिंग टू फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट। इससे पहले भी उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को देश विदेश में ऑलरेडी सीज किया गया है बाय ED। इसके बाद ये एक नया शो कॉज नोटिस जारी किया गया है बाय स्पेशल कोर्ट इन मुंबई, जिसमें कहा गया है कि उनकी और जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी क्यों ना सीज किया जाए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि नीरव मोदी जो है इस टाइम पे UK के जेल में है, और वो एक्स्ट्रैडिशन मतलब उनको UK से बाहर इंडिया वापस भेजने का जो प्रोसेस है उसके अगेंस्ट केस लड़ रहे हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डन ने फॉर्च्यून मैगजीन के वर्ल्ड ग्रेटेस्ट लीडर लिस्ट 2021 को टॉप कर लिया है। इंडिया की तरफ से सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आदार पूनावाला जी 10th spot पर रहे। इसके अलावा एक और इंडियन अपाना हेगड़े, जो कि एक यूरोलॉजिस्ट है और फाउंडर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अरमान की, वो है 15th spot पे। जापानी बिजनेसमैन एंड सॉफ्टबैंक के CEO एंड फाउंडर मशायोशी सन कहते हैं, जापान में इस COVID-19 के दौरान होने वाले ओलंपिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है। एक रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने CNBC को कहा है कि कैसे दूसरी कंट्री अपनी एथलीट्स को भेजेंगे इस सिचुएशन में हमारी कंट्री में ओलंपिक्स खेलने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ इस चीज़ को लेकर। आप लोगों को क्या लगता है कि हम लोगों को दूसरे देशों को अपने एथलीट्स को इस पैंडमिक की सिचुएशन में ओलंपिक्स खेलने के लिए भेजना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या इस टाइम पे वो सेफ है जिस टाइम पे पूरी दुनिया में कोई भी गेम्स नहीं हो रहे, इवन IPL भी सस्पेंड हो गया ड्यू टू दिस पैंडमिक? तो अगस्त में होने वाले इस ओलंपिक्स में कौन कौन से देश पार्ट लेने वाले हैं और कौन से एथलीट्स किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं, वो तो देखते ही पड़ेगा। कुछ दिनों पहले जो USA में एक हैकिंग अटैक हुआ था, उनकी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है US कॉलोनियल पाइपलाइन, जिसको हैकर्स ने अटैक करके शटडाउन कर दिया था, जिसके चलते अभी आपने सुना भी होगा कि जो बाइडेन ने एक बहुत ही जल्दी एक एक्ट पास करते हुए कहा था कि जो ट्रक्स चलती है, ट्रांसपोर्टेशन ट्रक्स चलती है अमेरिका के रोड पे, उनमें जो ओवरवेट और दूसरी जो कैटेगरीज होती है उसको तुरंत हटा दिया जाए, ताकि इस पाइपलाइन में जो डिसरप्शन आया है, जो हैकर्स ने पाइपलाइन को बंद कर दिया है, उसके चलते जो गैसोलीन है उसको ट्रक्स के थ्रू एक दूसरे स्टेट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाए, उसी के चलते उस पाइपलाइन कंपनी ने अभी
उस हैकिंग ग्रुप को, हैकर ग्रुप को $5 मिलियन क्रिप्टो के फॉर्म में पे कर दिया है, क्योंकि उनके पास अभी रिसेंट इसको टैकल करने का कोई ऑप्शन नहीं था। पहला सबसे मज़ेदार पार्ट जो कि है क्रिप्टो, क्या आप लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं मेरे को बताइएगा जरूर नीचे कमेंट करके। तो सबसे पहला क्रिप्टो न्यूज़ जो निकल के आ रहा है वो ये है कि इलोन मस्क ने अब से टेस्ला गाड़ियों को खरीदने के लिए बिटकॉइन लेने से मना कर दिया है। उन्होंने रिसेंटली एक ग्राफ जो कि 2016 से अब तक का था उसको शो करते हुए कहा कि बिटकॉइन माइनिंग के लिए जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज है, और पिछले कुछ महीनों में जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसके चलते अब से टेस्ला बिटकॉइन को एक्सेप्ट नहीं करेगा उनकी गाड़ियों को खरीदने के लिए। बिटकॉइन से ही जुड़ी हुई इलॉन मस्क के ट्वीट के बाद एक और बिलियनियर इन्वेस्टर मार्क क्यूबन ने भी ट्वीट किया और कहा कि वो मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है स्टोर करना देन गोल्ड। और उन्होंने ये भी कहा उनकी जो बास्केटबॉल टीम है अमेरिका की डैलस मैवरिक्स वो कंटिन्यू करेगी बिटकॉइन और डॉजकॉइन को एक्सेप्ट करना एज पेमेंट फॉर देयर टिकट्स एंड मर्चेंडाइज। और वो कहते हैं कि उनको वो ये बिलीव करते हैं कि जो बिटकॉइन है और जो दूसरी क्रिप्टोज है वो ज़्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है देन गोल्ड। आप लोगों का क्या कहना है कि आप लोग बिटकॉइन दूसरी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं मेरे को नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं तो खुद में पर्सनली एक क्रिप्टो करेंसी का फ़ैन हूँ, मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही प्रॉमिसिंग है और इसका फ्यूचर बहुत ही तगड़ा है। और मैं काफ़ी पहले से अराउंड 2014-15 से बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगली न्यूज़ जो है वो इथेरियम को रिलेटेड है। इथेरियम के फाउंडर और यंगेस्ट वर्ल्ड के यंगेस्ट क्रिप्टो बिलियनियर विटालिक बुटेरिन ने अराउंड $1 बिलियन का क्रिप्टो इंडिया को डोनेट किया है टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19।